क्या होता था बोर्ड एंथैल्पी, बोर्ड एंथैल्पी एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड इन वन मोल ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस गैसेस एटम, मतलब मॉलिक्यूल का कन्वर्शन, वन मोल मॉलिक्यूल्स का कन्वर्शन, जितने भी वन मोल मॉलिक्यूल्स है सबको ब्रेक करके डिसोशिएट्स करके इसका कन्वर्शन एटम्स में जब होता है तो वन मोल में जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसके सभी बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है एंथैल्पी लगती है, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी। इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वन मोल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कंटेन वन मोल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, लाइक वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl, एक HCl के मॉलिक्यूल में कितने एक बॉन्ड्स होता है तो वन मोल HCl तो है तो उसमें भी कितने बॉन्ड्स रहेंगे, वन मोल ऑफ HCl कंटेन वन मोल ऑफ बॉन्ड या वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl कंटेन वन कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको जो भी ब्रेक करने के लगती थी एनर्जी दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मोर कंटेन मॉलिक्यूल्स कंटेन ओनली टू एटम्स, अगर मॉलिक्यूल में दो ही एटम है तो दो एटम में एक ही बॉन्ड फॉर्म होगा, बट इफ द मॉलिक्यूल इज पॉलीएटॉमिक लाइक H2O फॉर एग्जाम्पल, मोर देन टू एटम्स H2O इट कंटेन टू कोवेलेंट बॉन्ड, कौन से दो कोवेलेंट बॉन्ड है, दो OH OH बॉन्ड HO OH बॉन्ड, टू कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब टू कोवेलेंट बॉन्ड्स है तो each this type of molecule more than two atoms, if it contain more than two atoms then the molecule is said to be polyatomic, and polyatomic molecules contain more than one, one molecule में जैसे diatomic contain one molecule diatomic रहा तो one covalent bond, but this is a polyatomic more than two atoms मतलब three atoms है, two hydrogen and one oxygen and it contain two covalent bonds, if it contain more than one covalent bond तो उसको बोल सकते हैं आप this molecule is called as a polyatomic molecules, and in case of polyatomic another example CH4 methane, कितने bonds है methane में, four one मोल कंटेन फोर मोल्स ऑफ सी एच सी एच सी एच फोर कोवेलेंट बॉन्ड, तो दिस सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एंड इन दिस केस ईच कोवेलेंट, यहाँ पे दो कोवेलेंट बॉन्ड है, ईच कोवेलेंट बॉन्ड हैज इट्स ओन स्पेसिफिक बॉन्ड एंथैल्पी, यानी बॉन्ड एंथैल्पी का सिंपल मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी उसको बोलना है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, और यहाँ पे दो कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक्सपेरिमेंटल अगर देखोगे तो ईच हर बॉन्ड की अलग अलग एनर्जी होती है, डिफरेंट होती है, इवन दो बोथ द बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, दोनों के दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल है सेम है, लेकिन सेपरेटली अगर स्टडी करोगे तो ईच बॉन्ड हैज इट्स ओन स्पेसिफिक बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब डिफरेंट बॉन्ड एंथैल्पी होगी अलग अलग बॉन्ड की। फॉर एग्जाम्पल थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर द डिसोसिएशन ऑफ H2O का डिसोसिएशन देखो, एग्जाम्पल H2O gives कितने बॉन्ड्स ब्रेक हो गए या उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर लिखोगे तो उसको अगर डिसोसिएट करना है ये दो OH बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, दो हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे दैट इज 2H एंड वन ऑक्सीजन, एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी चेंज एंथैल्पी चेंज या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते दैट इज 927 किलो जूल, मतलब ये मॉलिक्यूल को कंप्लीट वन मोल H2O को कंप्लीट डिसोसिएट्स करने के लिए मतलब हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग द एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड दैट इक्वल टू 927, तो ये जो भी दैट एनर्जी आल्सो कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन, बट एक्चुअल दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस टू कोवेलेंट बॉन्ड, तो दो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी लग रही, 927 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ टू कोवेलेंट बॉन्ड इन अ वन मोल ऑफ H2O, दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल है, बोथ द बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इक्वेलेंट, बट दिस टू बॉन्ड्स हैव अ डिफरेंट बॉन्ड एंथैल्पी, दोनों बॉन्ड की जो एंथैल्पी है अलग अलग है, सेम रिएक्शन बट स्टेप वाइज ब्रेकिंग ऑफ दिस डिसोसिएशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, दो स्टेप का अगर देखोगे तो हर बॉन्ड की एंथैल्पी अलग अलग आती है, देखो फर्स्ट
H2O gives. दो OH bonds हैं, उसमें से अगर एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, H यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया एंड फॉर्म OH, और एक बॉन्ड बचा है. फॉर दिस एनर्जी रिक्वायर्ड, इसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसको भी बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. एनर्जी रिक्वायर्ड दैट इक्वल टू 499 किलो जूल. कितनी एनर्जी लगेगी, 499 किलो जूल. कौन सा, एक ही बॉन्ड ब्रेक हुआ. सेकंड स्टेप क्या बचा, और एक बॉन्ड, मतलब सेम रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप. ये रिएक्शन दो स्टेप का, पहले एक बॉन्ड ब्रेक, एक बॉन्ड को ब्रेक किए तब एनर्जी कितनी लगी, 499 किलो जूल. नाउ सेकंड, फिर से यहाँ पे OH प्रेजेंट है, अब यहाँ पे भी बॉन्ड नहीं, तो उसको अब अगर आप ब्रेक करोगे तो H प्लस O, एंड सेकंड स्टेप में अगर देखोगे तो एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन 428 किलो जूल. क्या लग रही है यहाँ पे, फर्स्ट टू ब्रेक अ फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड इन H2O एनर्जी रिक्वायर्ड दैट इक्वल टू 499 किलो जूल, एंड सेकंड OH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी लग रही, 428. मतलब जो दोनों बॉन्ड थे वाटर में, OH बॉन्ड, दोनों की बॉन्ड एंथैल्पी सेम नहीं है, इज अ डिफरेंट. मतलब ईच कोवेलेंट बॉन्ड हैज इट्स ओन स्पेसिफिक बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकते हैं, अलग अलग रहेगी. लेकिन अगर यही रिएक्शन का आपने एडिशन किया अलोंग विद दिस एनर्जी, क्या आएगा, OH OH कैंसल्ड, और रिएक्शन हो जाएगा फिर से वही H2 एंड फॉर्म दो हाइड्रोजन है, 2H प्लस O, और ये टोटल करोगे दैट इज अलग अलग ब्रेक की, बट दिस वैल्यू, ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं 927, अगर इक्विवेलेंट बॉन्ड्स होते, सेम एनर्जी लगी होती, तो सीधा इसका आंसर ये बॉन्ड का कितना आना चाहिए था, उसका हाफ आना चाहिए था. मतलब हाफ करोगे तो कितना आता, डिवाइड 927 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर आता है 463.5. अगर दो स्टेप में मैंने ये लिखा था तो आप बोल सकते दोनों बॉन्ड आइडेंटिकल थे, दोनों के बॉन्ड एंथैल्पी सेम थी, लेकिन एक बॉन्ड की 499 है, सेकंड बॉन्ड की 428 है, मतलब हर बॉन्ड की एंथैल्पी अलग है, डिफरेंट है. तो ये जो एनर्जी है एक्चुअल, जो OH बॉन्ड एंथैल्पी, इसमें दो OH बॉन्ड है, तो स्टैंडर्ड जो वैल्यू है डेल ए जीरो ऑफ, अगर यहां पे ऐसा लिखोगे OH, OH का मतलब ये बॉन्ड ब्रेक करने के लगे, तो एक्चुअली ये भी है और ये भी है. लेकिन अगर बॉन्ड सेम है, आइडेंटिकल है, तो वो ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी सेम लेना पड़ेगा, और इसलिए इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आपको जो अज्यूम करना है, कंसीडर करना है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब एवरेज निकालना पड़ेगा, और एवरेज मतलब टोटल यहाँ पे दो बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए कितनी लग रही है एनर्जी, 927 किलो जूल. अब आप क्या करोगे, इन वाटर देयर आर टू OH बॉन्ड, अब टू OH बॉन्ड की एंथैल्पी 927 है, तो वन OH बॉन्ड की एंथैल्पी क्या रहेगी, तो आप सीधा क्या करोगे, डिवाइड बाय 2, तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 463.5 किलो जूल इज द एवरेज बॉन्ड. ठीक है, दोनों की अलग अलग है, लेकिन आपको जो कंसिडर करना है, फिक्स करना है, दैट इज एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी. इसलिए जो भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें आपको एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी होते हैं, एक्चुअल नहीं. एक्चुअल वैल्यू इसमें ये 499, ये अलग है एक बॉन्ड की एक, लेकिन जब भी एक मॉलिक्यूल में सेम बॉन्ड्स होते, आइडेंटिकल बॉन्ड्स होते, तब सभी बॉन्ड्स की एंथैल्पी आपको सेम कंसीडर करना है, और उसको बोल सकते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी. और ये जो वर्ड आता है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, ओनली इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इन डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही बॉन्ड होता है और एक की तो एनर्जी सेम रहेगी. बट इन केस ऑफ, जैसे एग्जांपल लेंगे, और इन केस ऑफ CH4 इन मीथेन दैट फॉर्म कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, चारों के चारों बॉन्ड्स ब्रेक हो गए. अगर टोटल जनरल में कंसीडर एक्चुअल एनर्जी नहीं है, अगर ये रिएक्शन की एंथैल्पी है फॉर एग्जांपल 200 किलो जूल, सबसे पहले क्या हुआ, 4 CH बॉन्ड, और बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब एक CH बॉन्ड की एंथैल्पी कितनी होगी, अगर इसकी वैल्यू आपको निकालना है CH बॉन्ड की एंथैल्पी. अब क्या देखोगे,
ये जब 1 mole of CH4 dissociates completely, the amount of energy required that is 200 kilojoule. ठीक है, एवरेज आंसर करेक्ट नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम्स में या आपको कंसीडर जो करना है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी. 4 CH बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुई है, तो अब सीधा सीधा कैलकुलेशन है, 4 CH बॉन्ड थे मिथेन में, ब्रेक हो गए. अब 4 बॉन्ड मतलब ये एनर्जी चेंज का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, 4 CH bond = 200 kilojoule. अब 200 kilojoule 4 bonds के लिए लग रही है, तो आपको सीधा मतलब है 1 mole या 1 CH bond की enthalpy क्या रहेगी. तो क्या आएगा, 4 के लिए इतना लग रहा है, तो 1 के लिए कितना, डिवाइड बाय 4, और 4 से उसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 50. तो ये हो गई एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH bond. या दूसरा एग्जांपल, अगर कोई मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंथैल्पी अगर गिवन है, जैसे C2H6 इथेन, और आपको क्वेश्चन ये गिवन है, टोटल एनर्जी फॉर दिस डिसोसिएशन, यानी इथेन को डिसोसिएट करने के लिए 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, और फॉर दिस रिएक्शन एनर्जी रिक्वायर्ड दैट इक्वल टू फॉर एग्जांपल 800 किलोजूल. ये रिएक्शन की कितनी एनर्जी लग रही, 800 किलोजूल. और जो गिवन है डेल एस जीरो स्टैंडर्ड एंथैल्पी, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सीएच बॉन्ड, 1 CH बॉन्ड की एंथैल्पी गिवन है, और इसकी वैल्यू है अगेन 50. और क्वेश्चन है What is the bond enthalpy of CC covalent bond? Carbon carbon bond की enthalpy कितनी रहेगी? क्या रहेगा? Calculation simple. क्या करोगे आप, पहले सबसे पहले उसका structure देखो. इथेन का, इथेन में 2 कार्बन है CC, 1 कार्बन को 3 हाइड्रोजन अटैच है, मतलब 3 CH bond है. टोटल CH bond कितने हो गए? आपको दिया क्या है, यानी ये मॉलिक्यूल को कंप्लीटली डिसोसिएट्स करने के लिए इतनी लग रही 800 किलोजूल एनर्जी लग रही इसको ब्रेक करने के लिए. अब मतलब क्या, सिंपल, कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है, 1 कार्बन कार्बन और 1 2 3 4 5 6 CH बॉन्ड. तो 1 कार्बन और 6 CH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी लग रही, 800 किलोजूल. इसका सिंपल मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो मैंने लिखा है, तो इसी का मतलब है हीट ऑफ रिएक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा, बॉन्ड ब्रेक हो रही है, उसके लिए टोटल एनर्जी लग रही 800 किलोजूल. तो आपको निकलना क्या है, सीसी बॉन्ड की एंथैल्पी क्या रही, तो आप क्या करोगे, आपको पता है 1 CH बॉन्ड की एंथैल्पी गिवन है 15, कितने ऐसे बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 CH बॉन्ड है, 1 की 15, तो 6 की कितनी होगी, 50 × 6 कितनी होगी, टोटल 300 किलोजूल एनर्जी किसके लिए लग रही, CH बॉन्ड के लिए. अब दूसरा कौन सा बचा है, 1 की बॉन्ड बचा है, कौन सा, कार्बन कार्बन. अब जो बची टोटल लग रही 800 किलोजूल, CH बॉन्ड को उसमें से जितने भी बॉन्ड्स है टोटल सभी बॉन्ड्स के लिए 800 लग रही, इसमें से CH बॉन्ड के लिए 300 लग रही. अब एक ही बॉन्ड बचा है कार्बन कार्बन, उसके लिए कितनी लग रही, तो क्या करोगे आप, 800 - 300 दैट इक्वल टू 500, एंड देयरफॉर तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, 500 किलोजूल. तो टोटल ये आपने ये कंसिडर करके कैलकुलेशन किया है, 6 CH बॉन्ड है, all that 6 CH bonds are identical and therefore they having same value of bond enthalpy, कितने हर CH bond के 50, मतलब average bond enthalpy ही consider करके आपने यहाँ पे calculate किया है, मतलब because it is a polyatomic, तो polyatomic diatomic की problem आता ही नहीं, सीधा सीधा एक ही bond होता है, but in case of polyatomic molecule ठीक है, bond की energy सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन आपको same लेना है, ये CH की 50 है तो इसकी भी 50 होना चाहिए. या एक कार्बन प्रोपेन में 2 बॉन्ड हो, यानी 1 की 100 है तो दूसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसके भी 100 है, कंसिडर करके चलना है. तो ये हो गया एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, और ये जो वर्ड आता है एवरेज ओनली इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायटॉमिक कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. तो नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पीज. ये प्रॉब्लम्स थोड़े इंपॉर्टेंट इसके बॉन्ड एंथैल्पी की, और बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं. देन रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पीज, क्या रिएक्शन एंथैल्पी दैट बॉन्ड एंथैल्पी, रिएक्शन एंड
bond enthalpies. अब रिएक्शन और बॉन्ड एंथैल्पीज का रिलेशन क्या है? When any chemical reaction takes place, कोई भी जब भी कभी chemical reactions होता है तो generally क्या होता है, in case of reactant, जैसे ये reaction मैंने लिखा है RX gives ROH. अब इसकी जो भी enthalpy of reaction रहेगी, standard enthalpy of reaction, जब reaction और enthalpy change क्या हो गई, जो भी value रहेगी X किलो जूल, मतलब during this reaction some bonds broken, किसके bond break होते हैं, reactants के bond break होते हैं, products के bond form होते हैं. तो simply है, जो भी energy लगेगी reactants को bond break करने के लिए कितनी लग रही, suppose 20 किलो जूल. ये जब, और इसके पहले भी मैंने पढ़ा था, जब भी bond कोई form होता है it is always evolved and it is absorbed when bond breaks. जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी लगती है, मतलब एब्जॉर्ब होती है, और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो हीट इवॉल्व होती है, मतलब एनर्जी लॉस होती है. इसको आप इवॉल्व होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एब्जॉर्ब होती तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, दो ही प्रोसेस होते हैं. अब दोनों के टोटल करने के बाद जो भी आंसर रहेगा, ये प्लस और दूसरी जैसे माइनस 30 इतनी इवॉल्व हो रही, तो सीधा है प्लस 20 माइनस 30 आंसर आता है माइनस 10, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. तो During this reaction, some bonds broken, new bonds in product form, and the जब भी energy में change आएगा तो मैं यहाँ पे जो involvement है किसका है, bond enthalpy of reaction, bond enthalpy of reaction, या enthalpy of reaction and bond enthalpies. तो जैसे enthalpy of formation हर reactants and product का given है, तो आप reaction की enthalpy calculate कर सकते थे, सीधा सीधा total enthalpies of products minus reactant. अब यहाँ पे same, अगर हर रिएक्टर्स में, मतलब रिएक्टेंट साइड में जितने बॉन्ड्स इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट साइड में जितने बॉन्ड्स इन्वॉल्व है, सभी बॉन्ड्स की अगर एंथैल्पीज गिवन है, बॉन्ड एनर्जी गिवन है, तो आप पूरे रिएक्शन की बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हेडिंग को आप ऐसे बोल सकते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी फ्रॉम बॉन्ड एंथैल्पी. तो रिएक्शन एंथैल्पी का रिएक्शन एंथैल्पी की वैल्यू आप निकाल सकते, कैलकुलेट कर सकते फ्रॉम बॉन्ड एंथैल्पी. और उसके लिए बहुत ही सिंपल सीधा सीधा फॉर्मूला है, एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये बस इसमें ज्यादा नहीं फॉर्मूला याद रखना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल एस जीरो ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, मतलब आप लिख सकते जैसे फर्स्ट फॉर्मूले में फॉर्मेशन दिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, उससे अगर रिएक्शन एंथैल्पी निकलना था तब उसमें फॉर्मूला था प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, बट इन दिस रिएक्टेंट्स बॉन्ड्स माइनस समेशन ऑफ डेल एस जीरो ऑफ प्रोडक्ट्स बॉन्ड, रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट्स बॉन्ड. तो सीधा कैलकुलेशन है, जितने रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स और हर बॉन्ड की एंथैल्पी गिवन रहेगी, उसकी टोटल करो x ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जितने भी प्रोडक्ट्स है उसकी टोटल करो, और दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो पहले इसमें एग्जांपल में बताया था. बाकी कुछ नहीं होता, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, पर दोनों की टोटल जो भी आएगा डिफरेंस आएगा दैट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स twice HI. अब ये रिएक्शन की एंथैल्पी निकाला, एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्या करोगे पहले फॉर्मूला, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट. अब रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट कौन कौन से, अब H2 मॉलिक्यूल है तो H2 का स्ट्रक्चर इस टाइप से, HH ये II एक ही बॉन्ड है, तो क्या करोगे आप सीधा सीधा डेल ए जीरो ऑफ एच सिंगल बॉन्ड एच. अगर यहाँ पे दो एच टू होते ट्वाइस तो आपको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक ही बॉन्ड है एक मॉलिक्यूल में तो एच एच, प्लस सेकंड मॉलिक्यूल कौन सा है आई टू, डेल ए जीरो ऑफ आई आई बॉन्ड, क्यों गए समेशन ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स और सेकंड इन सेकंड ब्रैकेट प्रोडक्ट के, देखो टू है टू इन टू और यहाँ पे एक ही एच आई बॉन्ड है, दोनों तो एक ही बॉन्ड रहेगा, कोएफिशिएंट टू है, तो डेल एस जीरो ऑफ
एच आई बॉन्ड कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, मतलब जितने रिएक्टेंट्स हो गए प्रोडक्ट्स हो गए, टू इंटू प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट एक एक ही थे। अब हर बॉन्ड्स की, इंडिविजुअल बॉन्ड्स की वैल्यू गिवन रहेगी, ये पुट करो और जो भी आंसर रहेगा दैट इज डी। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब डिटरमिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये जो प्रॉब्लम है मतलब न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला काम आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि इसके पहले के फॉर्मूले था प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। तो नेक्स्ट टाइम जब इसके एक टॉपिक है हेसेस लॉ करके, उसके बाद प्रॉब्लम्स नहीं, इसलिए जब भी बैठोगे थोड़ा टेक्स्ट बुक और लॉक टेबल लेके बैठो, ठीक है।